होटल राजमहल एपिसोड 13। कौन है डेविड? विशाल वेरोनिका को जाते हुए देखता है, जो हवा में धूमिल हो जाती है। तभी होटल राजमहल का दरवाजा फिर से खुलता है और कब्रिस्तान का बूढ़ा चौकीदार अंदर आता है। विशाल उसे खड़ा देख रहा होता है और चौकीदार अकेले सूटकेस हिला भी नहीं पा रहा है। विशाल कहता है, थोड़ा बाई तरफ से ताकत लगाओ। चौकीदार वैसे ही करता है, लेकिन अभी भी सूटकेस वहीं का वहीं है। तभी विशाल कहता है, एक काम करो, बिल्कुल बीचों बीच से ढकेलो। चौकीदार वैसे ही करता है, लेकिन सूटकेस नहीं हिलता है। तभी विशाल कहता है, एक काम करो। तभी चौकीदार गुस्से से विशाल को डांटते हुए कहता है, शादी में दूल्हा बन के आया है क्या? चल हाथ लगा। विशाल जल्दी से जाकर चौकीदार की मदद करता हुआ रंजीत की लाश से भरा सूटकेस कब्रिस्तान में ले जाता है और एक खुदी हुई कब्र में गिराकर मिट्टी डालने लगता है। विशाल बूढ़े चौकीदार से पूछता है, एक बात बताता हूं, तने कैसे पता चला कि अंदर कोई खून हुआ सा? वो चौकीदार घूर कर विशाल की ओर देखता है और कहता है, जा रे छोरे, अपना काम कर, सवेरा होने ही वाला है। विशाल मुड़ते हुए कहता है, अजीब ही जगह है ये, यहां कोई भी सीधे मुंह बात ही नहीं करता। तभी होटल में लगी घड़ी में 3:30 बज जाते हैं। घड़ी टन की आवाज करती है और देखते ही देखते होटल राजमहल आग की लपटों में सुलगने लगता है। फिर से रोज की तरह लोगों की दर्द भरी चीखें गूंजने लगती हैं। विशाल उस वक्त चाहकर भी किसी की कोई मदद नहीं कर सकता है। रंजीत की मौत से विशाल को इस बात की खुशी होती है कि ऐसे दरिंदे को ऐसी ही सजा मिलनी चाहिए थी। तभी विशाल के दाएं कान में बंसी की डरावनी फुसफुसाने की आवाज आती है। डेविड कहां से मिलेगा ये सोच? और बाएं कान से मुरली की डरावनी फुसफुसाने की आवाज आती है। डेविड नहीं मिला तो तेरी भी लाश ये बुड्ढा कल दफना रहा होगा। ये सुनकर विशाल घबरा जाता है और उसके कदम अपने घर की ओर बढ़ने लगते हैं। दिन चढ़ाता है। विशाल रेल की पटरी पर अकेला बैठा अमन का इंतजार कर रहा होता है। तभी अमन चहकता हुआ आता है और विशाल के बगल में बैठकर बोलता है, मुझे पता है डेविड कौन है। विशाल हैरानी से अमन की तरफ देखता है, कौन है डेविड? अमन बोलता है, मेरा सीनियर था कॉलेज में, और जब मैंने पता लगाया तो मालूम चला कि वेरोनिका डेविड की गर्लफ्रेंड थी। विशाल हैरानी से देखता है, याद है तुझे जब हम रंजीत भोंसले के ऑफिस गए थे, तब उसने भी डेविड का नाम लिया था। अमन कहता है, हाँ याद है मुझे। विशाल कहता है, ये बात कुछ अजीब नहीं है, डेविड वेरोनिका का बॉयफ्रेंड था और रंजीत भी डेविड को जानता था, इन तीनों का क्या कनेक्शन हो सकता है? अमन कहता है, इसका जवाब तो डेविड ही दे सकता है। विशाल पूछता है, क्या तुझे पता है ये डेविड कहां मिलेगा? अमन कहता है, मैंने अपने एक दोस्त से कहा है डेविड का फोन नंबर और एड्रेस निकालने के लिए। तभी अमन का फोन बजने लगता है। हाँ जेम्स, ओके ठीक है, हम मिलते हैं। अमन फोन रखता है। तभी विशाल पूछता है, क्या हुआ? अमन कहता है, जेम्स ने लाल चौक के एटीएम के पास बुलाया है, वो हमको डेविड के घर लेकर जाएगा। विशाल और अमन उस लाल चौक एटीएम के पास पहुंचते हैं। विशाल बोलता है, फोन लगा जेम्स को। अमन फोन करता है, हाँ जेम्स, हम एटीएम के सामने हैं। ओके ओके। अमन विशाल को बोलता है, बस वो पहुंच ही रहा है। दोनों जेम्स का इंतजार करने लगते हैं। तभी एक वैन विशाल और अमन के नजदीक आकर रुकती है और अगले ही पल
चार पांच लोग विशाल और अमन को वैन के अंदर खींच लेते हैं। विशाल और अमन के चेहरे काले कपड़ों में ढके हैं। तभी उनके चेहरों से कपड़े हटाए जाते हैं। सामने डेविड खड़ा होता है, उसके साथ चार पांच लड़के हैं जिसमें जेम्स भी है। डेविड गुस्से से पूछता है, मेरे से क्यों मिलना था तुम दोनों को? विशाल को एक पल समझ ही नहीं आता कि यह हो क्या रहा है। तभी अमन बोलता है, अरे डेविड भाई, तुमने मुझे पहचाना नहीं? मैं अमन, मैं वही लड़का हूं जिसने वेरोनिका को प्रपोज किया था और तुमने क्या धोया था मुझे। डेविड गौर से अमन को देखता है और हंसते हुए कहता है, अच्छा अच्छा, हाँ ये तो वही रास्कल है, तू तो बड़ा डेरिंग बाज है यार। मेरी बंदी को सबके सामने प्रपोज करने की हिम्मत की थी तूने। अमन ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ यार माफ कर देना, वो तो बस बचपना था। तभी डेविड अचानक से हंसना बंद करता है। मुझे क्यों ढूंढ रहे हो तुम लोग? अमन कहता है, ये मेरा दोस्त है विशाल, ये एक नया क्लब खोलने की सोच रहा है, इसीलिए मैं इसको तुमसे मिलाना चाहता था, तुम इसकी हेल्प करोगे तो। तभी अचानक विशाल ने अमन की बात को काटते हुए कहा, अमन झूठ बोल रहा है, सच ये है कि मैं तुम्हें वेरोनिका के लिए ही ढूंढ रहा हूं। यह सुनते ही अमन के होश उड़ जाते हैं। डेविड गुस्से से विशाल को देखता है और अपनी कमर से एक पिस्टल निकालता है और विशाल के माथे पर रख देता है। क्या मतलब है तेरा, वेरोनिका से क्या लेना देना है तेरा? विशाल बोलता है, मुझे नहीं पता कि तुमने वेरोनिका के साथ क्या किया था, लेकिन वेरोनिका की आत्मा भटक रही है। आज रात 11 बजे होटल राजमहल चलो और वेरोनिका से माफी मांग लो। डेविड कुछ पल के लिए एकदम गंभीर हो गया, लेकिन अगले ही पल उसकी हंसी फूट पड़ी। उसके साथ उसके दोस्त हंसने लगे। तभी डेविड ने वापस से पिस्टल विशाल के माथे पर लगा दी और बोला, अपने भगवान को याद कर लो क्योंकि तुम्हारा आखिरी वक्त आ गया है। विशाल ने बोला, हे बंसी, हे मुरली, मेरी मदद करो। मुरली और बंसी ने विशाल से कहा, हम यही हैं। जैसे ही डेविड विशाल पर गोली चलाने को हुआ, उसकी पिस्टल उसकी तरफ ही मुड़ गई। ये देखकर सब हैरान रह गए। तभी जेम्स को एक जोरों का थप्पड़ पड़ा। वो अपने आसपास देखने लगा, कौन मारा मेरे को? तभी एक और थप्पड़ उसके दूसरे गाल पर पड़ा। डेविड के हाथ से पिस्टल छिन गई और हवा में किसी ने उसे पकड़ रखा है। जेम्स और उसके बाकी दोस्त वहां से भाग निकले। डेविड भी भागने लगता है, लेकिन तब तक पिस्टल विशाल के हाथ में आ गई होती है और विशाल बोलता है, रुक जाओ डेविड, वरना मैं गोली मार दूंगा। डेविड के पास रुकने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा है। विशाल और अमन दोनों डेविड को उसी वैन में लेकर निकल पड़ते हैं होटल राजमहल की तरफ। होटल पहुंचते पहुंचते उनको थोड़ी देर हो जाती है। अमावस की काली रात का साया चारों तरफ फैला हुआ होता है और जैसे ही वो लोग होटल के सामने पहुंचते हैं, ठीक उसी समय रात के 11 बजते हैं और विशाल कसकर डेविड को पकड़ लेता है। विशाल और डेविड अपने आप कार से गायब हो जाते हैं। अमन कार में अकेला रह जाता है। दूसरी तरफ होटल राजमहल में विशाल और डेविड अचानक से होटल के रिसेप्शन के पास पहुंच जाते हैं। डेविड ये सब देखकर अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाता है। ये कौन सी जगह है और हम यहां कैसे आए? विशाल घूर कर डेविड को देखता है। ये होटल राजमहल है और तुम्हें यहां तुम्हारी मौत लेकर आई है। तभी हर तरफ से आवाजें गूंजने लगती है, डेविड बहुत डर जाता है और दौड़ते हुए दरवाजे की तरफ जाता है, लेकिन दरवाजा उसके मुंह पर बंद हो जाता है। डेविड दरवाजे को जोर जोर से पीटता है,
जाने दो मुझे, ये दरवाजा खोलो प्लीज। तभी माहौल अचानक से बदलने लगता है, लाइट्स जलने बुझने लगती हैं, पूरी जगह पर अजीब सी बदबू फैलने लगती है, जिसके साथ ही डेविड को चुभने वाली ठंड भी महसूस होने लगती है। होटल की दीवारों से खून बहने लगता है, एक होश उड़ा देने वाली हंसी हर तरफ से सुनाई देती है। डेविड के पैर कांपने लगते हैं, वो किसी तरह विशाल की तरफ जाता है और बोलता है, तुम ये ठीक नहीं कर रहे हो विशाल। इससे पहले विशाल कुछ बोले, एक आवाज सुनाई देती है, और जो तुमने मेरे साथ किया क्या वो ठीक था? डेविड मुड़कर देखता है और सामने वेरोनिका उसे घूर रही होती है। डेविड को सदमा लग जाता है, वो कांपती आवाज में बोलता है, ये कैसे हो सकता है, तुम तो मर चुकी हो। तभी वेरोनिका के पीछे से रंजीत भोसले भी सामने आकर खड़ा हो जाता है। उन दोनों को देखकर डेविड को लगभग चक्कर सा आ जाता है। तभी रंजीत बोलता है, यही तुम्हारा असली कातिल है वेरोनिका, इसने पैसों के लालच में झूठ बोलकर तुम्हें बेचा था। इसने बोला था कि तुम धंधा करती हो और इसने खासकर मेरे लिए तुमको बचा रखा है। ये सुनकर वेरोनिका डेविड की तरफ देखती है, उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो रोते रोते बोलती है, डेविड, मैंने तुम पर भरोसा किया, तुमसे प्यार किया और तुमने मुझे इस दरिंदे के हाथों बेच दिया। क्यों डेविड, क्यों? ये सुनकर विशाल हैरान हो जाता है। डेविड सीधा वेरोनिका के पैरों में गिर जाता है और कहता है, वेरोनिका मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं आज भी तुमसे प्यार करता हूं, ये सारी गलती इस रंजीत भोसले की है, इसने मुझे मजबूर किया था कि मैं तुम्हें इसे बेच दूं, वरना ये मेरी बहन को उठवा लेगा। वेरोनिका की आंखों में आंसू हैं, लेकिन डेविड की बातें सुनकर वो हंसने लगती है, ऐसी हंसी जो इंसान के रोंगटे खड़े कर दे। पूरा होटल हंसने की आवाज से गूंजने लगता है। तभी अचानक से वेरोनिका हंसना बंद कर देती है और गुस्से में कहती है, तुमने मेरे प्यार और भरोसे का ये सिला दिया, तुम तो इंसान कहलाने के भी लायक नहीं हो डेविड, जाने कितनी लड़कियों के साथ तुमने ये खिलौना खेल खेला होगा। डेविड कुछ कहना चाहता है लेकिन गुस्से में वेरोनिका जोरों से चिल्लाती है। वेरोनिका का चिल्लाना इतना जोरदार होता है कि विशाल बर्दाश्त नहीं कर पाता और उसे अपने कान बंद करने पड़ते हैं। वहां आसपास मौजूद हर चीज हिलने लग जाती है, होटल की खिड़कियों के कांच तक चटकने लगते हैं। वेरोनिका के इतना जोरों से चिल्लाने से डेविड के कानों से खून निकलने लगता है, वो मदद के लिए आवाज लगाता है लेकिन वहां उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं होता। तभी जिस शीशे के बक्से में फायर ब्रिगेड की कुल्हाड़ी रखी होती है उसके परखच्चे उड़ जाते हैं और कुल्हाड़ी खुद ब खुद उड़ती हुई आती है और डेविड के माथे के बीचों बीच आकर धस जाती है। अगले ही पल डेविड जमीन पर गिरता है और तड़पने लगता है। वेरोनिका गुस्से से बोलती है, इससे भी ज्यादा दर्दनाक मौत हुई थी मेरी, इससे ज्यादा तड़पी थी मैं। कुछ देर में डेविड अपना दम तोड़ देता है। वेरोनिका अब शांत हो जाती है। रंजीत भोसले भी वहां से धूल बनकर हवा में कहीं गुम हो जाता है। तभी वेरोनिका विशाल की तरफ मुड़ते हुए कहती है, तुम्हें अब पता चला विशाल कि मेरे साथ कितना बुरा हुआ था? इतना कहते कहते उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो कहती जा रही है, मैंने डेविड से प्यार किया था,
और इस घटिया आदमी ने मुझे रंजीत भोसले के हाथों में बेच दिया। उस रात मुझे डेविड ने कहा था होटल राजमहल में वो मुझे एक सरप्राइज देने वाला है, इसलिए मैं बहुत खुशी खुशी यहां आई थी, लेकिन मेरी उम्मीद से बिल्कुल उलट मुझे यहां रंजीत मिला, जिसने मेरी इज्जत तो लूटी ही लेकिन साथ ही मुझे जान से भी मार दिया। इन दोनों वैशी दरिंदों से मेरा हंसता खेलता परिवार भी उजड़ गया। मेरे पापा अपनी बेटी के गम को बर्दाश्त न कर सके और उन्होंने आत्महत्या कर ली। ये सुनकर विशाल की आंखें भी नम हो गई। उसके दिल में ये सुकून जरूर है कि उसने वेरोनिका की आत्मा को मुक्ति दिलवा दी। तभी उसने वेरोनिका के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, वेरोनिका मुझे भी माफ कर दो, क्योंकि तुम्हारा वो वीडियो बनाने में मैंने भी अमन की मदद की थी, लेकिन हम दोनों में से किसी ने उस वीडियो को लीक नहीं किया था। अभी विशाल ये सब कह ही रहा होता है कि वेरोनिका बीच में बोल पड़ती है, मैं जानती हूं विशाल, तुमने जो कुछ भी किया वो सिर्फ अपने दोस्त अमन के कहने पर और उसके लिए किया, उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, और यहां होटल राजमहल में मेरी मदद भी तुमने की, इसीलिए मैं तुमसे बिल्कुल नाराज नहीं हूं। ये कहकर वेरोनिका मुस्कुराने लगी और धीरे धीरे विशाल के करीब जाकर बोली, थैंक यू विशाल, आगे भी इसी तरह सबकी मदद करके सबको आजाद करवा देना। विशाल ने हां में सर हिलाया। तभी होटल राजमहल का दरवाजा अपने आप खुल गया और एक चमकदार सफेद रोशनी दरवाजे से अंदर झांकने लगी। वेरोनिका उस ओर बढ़ने लगी। वेरोनिका के बाहर निकलते ही अमन डरते डरते वेरोनिका के पास आया। वेरोनिका के सामने अमन घुटनों के बल बैठकर बोला, मुझे माफ कर दो वेरोनिका, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई थी, लेकिन मैंने वो वीडियो लीक नहीं किया था, मैं तो अपना कैमरा भी वहीं भूल गया था। वेरोनिका ने कहा, मुझे सब पता है अमन, मैंने आज तुम्हारी जान सिर्फ इसलिए बख्शी है क्योंकि तुमने मेरे कातिलों को ढूंढने में विशाल की मदद की थी, लेकिन आइंदा कभी किसी लड़की के साथ ऐसा मत करना। अगर तुम किसी से प्यार करो तो वो इंसान भी तुमसे प्यार करे, ये जरूरी नहीं है, मेरी ये बात हमेशा याद रखना। अमन ने कहा, ऐसा मैं कभी नहीं करूंगा वेरोनिका, कभी भी नहीं। वेरोनिका ने एक बार फिर मुड़कर होटल राजमहल के अंदर देखा और वहां मल्लिका के साथ बाकी की 118 आत्माएं भी खुशी से वेरोनिका को यहां से मुक्त होकर जाते हुए देख रही हैं। वेरोनिका ने मुस्कुराते हुए सभी को अलविदा किया और वो धुएं की तरह उस सफेद रोशनी में गुम हो गई। विशाल को वेरोनिका की आत्मा को मुक्त हुआ देखकर बहुत खुशी मिली। तभी रिसेप्शन पर लौटने पर उसे अपनी चेयर पर मल्लिका बैठी हुई दिखाई दी। वो मल्लिका को देखकर दूर ही रुक गया। मल्लिका आज पहले से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही होती है और वो एक टक बस विशाल को ही देखती रहती है। कुछ देर बाद वो खड़ी होकर विशाल के पास जाती है और कहती है, तुमने तो कमाल कर दिया विशाल, तुमने वेरोनिका के दोनों कातिलों को यहां लाकर बहुत अच्छा किया, तुम्हें इसका इनाम मिलना चाहिए। विशाल ने नजर उठाकर मल्लिका की तरफ देखा। तभी मल्लिका ने बहुत ही प्यार से विशाल के गालों पर किस किया। विशाल के पूरे शरीर में ठंड लगने लगी और उसे उस वक्त बहुत अच्छा महसूस हुआ। उसका दिल किया कि जैसे वो मल्लिका को अपनी बाहों में लेकर बहुत प्यार करे, लेकिन तभी उसके सामने प्रिया का चेहरा आ गया और उसने अपनी नजरें फेर ली। ये देखकर मल्लिका मुस्कुराने लगी, जैसे कि वो विशाल के मन को पढ़ पाई हो, और देखते ही देखते
वहां से धुआं बनकर गायब हो गई। अगली सुबह अपने कमरे में विशाल नहाकर निकलता है और आईने में देखकर अपने बाल बनाने लगता है। तभी उसके पीछे उसे कोई दिखाई देता है, एक लड़की जिसने लंबी सी स्कर्ट पहनी है जो जगह जगह पर फटी है, और उस लड़की के सारे बाल उसके चेहरे को ढके हुए हैं। विशाल पलट कर देखता है लेकिन वहां कोई नहीं होता है। तो क्या होगा आगे कहानी में? अब ये कौन सी लड़की है जो विशाल के कमरे में आ पहुंची है?